आईएमए के आह्वान पर आज देशभर के साथ साथ रेवाड़ी के निजी अस्पतालों के चिकित्सक भी हड़ताल पर हैं। आईएमए जहां नेशनल मेडिकल काउंसिल बिल का विरोध कर रही है, वहीं आयुष चिकित्सक इस हड़ताल को सरासर गलत बता रहे हैं। उनका कहना है कि आईएमए को इस मामले में सरकार का साथ देना चाहिए। रेवाड़ी में आयोजित आयुष चिकित्सकों की बैठक में डॉक्टरों ने कहा कि ब्रिज कोर्स के संबंध में सरकार की ओर से पॉजिटिव आयाम आया है, मगर आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की भारी कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में MBBS चिकित्सक नहीं है, ऐसे में सरकार को चाहिए कि आयुष चिकित्सकों को मॉडर्न मेडिसिन में ब्रिज कोर्स कराया जाए, ताकि यह अधिकार मिलने से वे भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में अपना सहयोग कर सकें। रेवाड़ी से अजय अत्री, आजाद टीवी न्यूज। क्या पूरा मामला है, किस चीज को क्या डिमांड है? आईएमए नेशनल हेडक्वार्टर की तरफ से नेशनल मेडिकल काउंसिल एक्ट, जो कि MCI एक्ट को रिप्लेस करेगा, उसके विरोध में पूरे देश में आज डॉक्टर्स की सुबह 6 बजे से और शाम को 6 बजे तक OPD की स्ट्राइक है। इमरजेंसी सर्विसेज और क्रिटिकल पेशेंट्स को देखने की पूरी आजादी है हमें, और हम इमरजेंसी सर्विसेज को पैरालाइज नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ एक सांकेतिक हमारी हड़ताल है, सांकेतिक धरना और सांकेतिक हड़ताल है उस NMC एक्ट के विरोध में, जो कि इस देश के मेडिकल सिस्टम के विरुद्ध एक बहुत बड़ा खतरा होने वाला है, और सरकार और सरकार में बैठे उनके रेगुलेटर्स शायद इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, या अगर समझ पा रहे हैं तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्यों वो इस देश के हेल्थ केयर सिस्टम को पैरालाइज और खराब करने पे तुले हुए हैं। देखिए, अगला कदम तो मैं ऑथराइज नहीं हूँ अगले कदम के बारे में आपको बताने के बारे में, उसके बारे में तो नेशनल IMA हेडक्वार्टर से जो हमारी डायरेक्टिव्स आएंगे उस पर ही हमें एक्ट करना है। हम तो ब्रांच के लेवल पे इससे ज्यादा कुछ आपको नहीं बताने की पोजीशन में है, परंतु मैं नेशनल मेडिकल काउंसिल एक्ट के बारे में आपको थोड़ा सा बता सकता हूँ। नेशनल मेडिकल काउंसिल एक्ट जो है, ये इस देश के हेल्थ केयर सिस्टम के खिलाफ है, इस देश के डॉक्टरों के खिलाफ है, और इस देश की आम जनता के स्वास्थ्य के खिलाफ है। क्योंकि नेशनल मेडिकल काउंसिल एक्ट जब आएगा तो इसमें जो हमारे BMS, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्ध, जो कि छोटी छोटी अलग पैथीज हैं, उनके डॉक्टर्स को एक शॉर्ट टर्म ब्रिज कोर्स करा करके और अंग्रेजी दवाइयां लिखने के लिए अधिकृत करने की सरकार की मंशा है, जो कि साइंटिफिकली गलत है, मेडिकली गलत है, एथिकली गलत है, और जनता के स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। एक डॉक्टर जो कि 5.5 साल MBBS करने में लगाता है, उसके बाद 3 साल MD करने में लगाता है, और उसके बाद अगले 3 साल DM करने में, सुपर स्पेशलिटी करने में लगाता है, उस इतने सारी मेहनत को सरकार एक छोटे से ब्रिज कोर्स से बाकी डॉक्टर्स को हमारे बराबर खड़ा करना चाहती है, जो कि इस देश के हेल्थ केयर सिस्टम के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है, और इससे सिर्फ हम नीम हकीमों की एक फौज तैयार कर रहे हैं और आम जनता को उनके स्वास्थ्य के लिए एक सिर्फ भुलावा देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आम जनता के स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ा छलावा होगा।